तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैं अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ अबाउट सेक्शन में। ओके, इधर शो कर रहा है कि मेरे मोबाइल में अभी मार्शमेलो है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि एंड्रॉयड 6 का है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मेरा मोबाइल में अभी एंड्रॉयड 10 मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको अपना मोबाइल का जो कस्टम रोम रिकवरी ऑप्शन है, आपको सबसे पहले उधर चले जाना है। तो कस्टम रोम में जाने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आपको एक साथ प्रेस करके रखना है, तभी आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्टकट कर लिया हूँ कि पावर बटन प्रेस करने में ही मेरा मोबाइल में रिकवरी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं मेरा मोबाइल को रिकवरी में लेके जाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली टच का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। ओके, तो मैं ओके, मेरा मोबाइल रिकवरी ऑप्शन में चला गया है। तो देखिए अभी ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, तो अपने आप मेरा रिकवरी मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसके बाद आपको आपका मोबाइल के हिसाब से आपको एक कस्टम रोम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे आपका डिवाइस के हिसाब से, आपको अगर एंड्रॉयड 10 चाहिए तो आप एंड्रॉयड 10 डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिस एंड्रॉयड वर्जन का आपको चाहिए तो आपको उसी एंड्रॉयड वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अभी ये लोडिंग ले रहा है, अभी ये रिकवरी मोड में जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, एक्चुअली मेरा लिनोवो का मोबाइल है, तो मैंने एंड्रॉयड का मतलब रेडमी का ओएस मैंने इंस्टॉल करके रखा था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कस्टम रोम रिकवरी मैंने इंस्टॉल कर लिया था पहले से। तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कस्टम रोम रिकवरी इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, मतलब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो गाइस अभी मुझे को क्या करना है कि मेरा मोबाइल का जो पुराना सॉफ्टवेयर उसको मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ डेल्विक कैश वाइप करना है मेरे को। वाइप करने के बाद डेल्विक कैश सिस्टम डाटा और आपका कैश, इस चार ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप लोग इंटरनल स्टोरेज या माइक्रो स्टोरेज कभी भी ना सिलेक्ट करें। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका मोबाइल का जो फ़ोटो वगैरह, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ मेरा मोबाइल का पुराना सॉफ्टवेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब मेरे को बैक कर लेना है। ठीक है, बैक करने के बाद मेरे को चले जाना है इंस्टॉल पे। तो गाइस इंस्टॉल में आने के बाद देखिए, मैंने बहुत सारा ओएस को मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं फ़ोटो को एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस देखिए, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, iOS है, एंड्रॉयड 10 है, एरो है। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये एरो जो है ये बहुत अच्छा कस्टम रोम है। ठीक है, तो आप इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं किधर गया एरो, ओके मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ इसे इंस्टॉल। ओके, तो अब ये इंस्टॉल में जा चुका है। ठीक है, ये अब सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। ये ऑटो फोकस मोड में है इसलिए थोड़ा ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैं अब बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब मेरे को ये जो मोबाइल है इसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिबूट कर लेता हूँ। तो देखिए इधर सब कुछ शो कर रहा है, तो मैं इसे सिस्टम रिबूट कर लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम रिबूट। ओके, तो मेरा मोबाइल का जो सिस्टम है सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है। तो आप लोग इस प्रोसेस के लिए आपको कोई भी कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल के थ्रू आप लोग कस्टम रोम को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ओएस था ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब थोड़ा टाइम लगा। तो एक्चुअली ये पहली बार जब भी कोई सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल होता है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूँ। ठीक है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस हाँ, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा मोबाइल में अभी कौन सा वर्जन आया है। ठीक है, तो
मेरा मोबाइल का बैटरी बहुत ही लो हो चुका है, तो मैं चले जाता हूँ अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि डिवाइस नेम, या तो डिवाइस नेम है एंड्रॉयड वर्शन, एक मिनट, तो यह सक्सेसफुली चेंज हुआ है या नहीं सब कुछ मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए, ये अभी एंड्रॉयड ऑडियो में आ चुका है, ठीक है, ओके। अरे हाँ, देखिए एंड्रॉयड वर्शन एंड्रॉयड 10, ठीक है। तो गाइस सब लोग सब कुछ देख सकते हैं, ये अभी एंड्रॉयड 10 आ चुका है, ओके एंड्रॉयड 10। तो गाइस आपको इस प्रोसेस के लिए आपको कोई भी आपका कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं है, आप बिना कंप्यूटर में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको अगर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।